राष्ट्र और देश सिर्फ उतने ही नहीं होते जितने वो आंखों के सामने होते हैं। कभी कभी उनकी शख्सियत को पूरे तौर पर जानने के लिए माजी में सफ़र भी करना पड़ता है। कौमों की हालत बिल्कुल आइसबर्ग की तरह से है, एक छोटा सा हिस्सा तो पानी के ऊपर दिखाई देता है लेकिन बहुत बड़ा हिस्सा पानी के नीचे सांस लेता रहता है और तैरता रहता है। वो हिस्सा कौमों का और राष्ट्रों का जो पानी के नीचे आँखों से ओझल रहता है यानी दिखाई नहीं देता, वो हमारा माजी है या अतीत है, हमारी रिवायतें हैं, परंपरा या हमारे आदर्श या वो सपने जो बाज़ महान हस्तियों ने देखे। और जिस मंजिल पर भी कोई मुल्क या कोई कौम होती है, दरअसल वो उन सपनों की वजह से होती है या उन उसूलों की वजह से होती है जो बुज़ुर्गों ने देखे, जिन सपनों और जिन आदर्शों के लिए वो जिए और उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगियां खपा दी। ऐसे ही एक महान शख्स थे डॉक्टर ज़ाकिर हुसैन, जो एक मामूली उस्ताद के दर्जे से तरक्की करते करते हिंदुस्तान के सबसे बड़े ओहदे यानी देश के राष्ट्रपति के पद तक पहुँचे। आज उनके बारे में बातचीत करने के लिए यहाँ मौजूद हैं मेरे साथ प्रोफेसर M.V. माथुर, जो किसी ज़माने में फाइनेंस कमीशन के मेंबर रहे, फिर कोठारी कमीशन, एजुकेशन कमीशन के भी मेंबर रहे और अब फोर्थ पे कमीशन के मेंबर हैं। ज़ाकिर साहब के बारे में बहुत गहरी जानकारी रखते हैं। और मेरे साथ तशरीफ़ रखती हैं बेगम सईदा खुर्शीद आलम खां साहिबा, जो ज़ाकिर साहब की बड़ी साहबजादी हैं, और इनके साथ बैठे हैं प्रोफेसर इश्तियाक आबिदी साहब, जिनका बड़ा गहरा ताल्लुक रहा है बहैसियत एक उस्ताद के अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से। और इश्तियाक आबिदी साहब AICC के जॉइंट सेक्रेटरीज़ में से भी रहे हैं। आप सब हजरात बहुत अच्छी तरह से ज़ाकिर साहब को जानते हैं और उनके बारे में बहुत सी बातों में इजाफा कर सकते हैं मालूमात, लेकिन हम चाहेंगे ये कि ज़रा गहराई में उतर के उनकी वो झलक देखी और दिखाई जाए, किन उसूलों के लिए वो ज़िंदा थे, किन उसूलों के लिए उन्होंने काम किया और उनकी शख्सियत का वो पहलू जो आज भी ताबनाक है, जो आज भी हमें मुतासिर करता है। तो क्यों ना सबसे पहले उनकी शख्सियत के ज़िक्र से हम शुरू करें, यानी वो एक सच्चे हिंदुस्तानी तो थे ही और एक पक्के मुसलमान भी थे, और यानी देशभक्त के तौर पर दिल की गहराइयों तक वो एक सच्चे मुहिब्बे वतन, एक पैट्रियट और एक ऐसे ह्यूमनिस्ट जिन्होंने हमेशा इंसान की भलाई और उसकी बेहतरी के लिए सोचा। तो बेगम साहिबा, सबसे पहले तो आप ही को मैं ज़हमत देता हूँ कि उनकी शख्सियत का वो कौन सा पहलू है जो आपको मुतासर करता है, या आप समझती हैं कि वो पहलू ऐसा अनोखा है जो आम तौर से लोगों में नहीं मिलता। जैसा कि आपने कहा कि वो एक सच्चे मुसलमान और पक्के हिंदुस्तानी थे, इसमें कोई शक नहीं, और एक बड़े इंसान और मुकम्मल इंसान भी थे जी। और एक अच्छा इंसान यकीनन एक अच्छा हिंदुस्तानी भी होगा और अच्छा नागरिक भी होगा, शहरी भी होगा। तो मैं तो उनकी जो इंसानियत है उसी को सबसे ज़्यादा अहमियत मैंने सारी ज़िंदगी दी, और चूँकि करीब से देखा उन्हें, हर पहलू को देखा, तो और तो उनके बहुत से ज़िंदगी के पहलू रहे जो कि और लोगों की भी सामने आए, लेकिन घर में तो उनकी इंसानियत ही सबसे ज़्यादा नुमाया रही। और उसका मैंने ये हमेशा इस चीज़ को गौर किया कि उन्होंने कभी उनके ज़ाहिर और बातिन में कोई फ़र्क नहीं महसूस किया मैंने, घर में भी और बाहर भी। उन्होंने जो लिखा, उन्होंने पढ़ा, उन्होंने जो तकरीरें की या ज़िंदगी में जो हिस्सा लिया, कभी ऐसा मेरा ख्याल है कोई नहीं कह सकेगा कि उन्होंने जो कहा वो किया नहीं, उसको बरत के नहीं दिखाया। अगर उन्होंने कहा कि सच बोलना अच्छा है तो उन्होंने सच बोल कर दिखाया। अगर उन्होंने कहा कि कुर्बानी एक अजीम चीज़ है, चाहे मुल्क के लिए हो, चाहे किसी अच्छे कॉज के लिए हो, तो उन्होंने वो करके दिखाई। तो उनकी ज़िंदगी में तजाद नहीं था, उनके जितने वो बाहर से अच्छे थे उतने ही वो अंदर से अच्छे थे। और ये घर में आदमी ज़्यादा एहसास हो सकता है,
मतलब बाहर से आदमी बहुत नर्म नज़र आता है लेकिन घर में गुस्सा करता है, बीवी पर गुस्सा, बच्चों पर गुस्सा, चिड़चिड़ापन, थकावट के साथ बहुत से मर्दों में ये होता है, लेकिन उन्हें कभी नहीं, वो रात थके हुए वो सोते थे। तो छोटे छोटे बच्चे, हम लोग भी जब छोटे थे या फिर बाद में मेरे बच्चे, वो शोर मचाया करते थे तो हमारी वालदा और हम लोग डांटते थे, तो कहते थे नहीं मुझे भाई नींद आ जाती है, कि तुम फिक्र ना करो, मेरे बच्चे हैं और वो शोर मचाते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है, मुझे लगता है ऐसे लोरी हो रही है ये। तो वो बच्चों से ख़ास तौर से बहुत उन्हें दिलचस्पी थी। और दूसरी चीज़ जो उनकी बहुत नुमाया थी, उनकी इंसानियत थी, वो थी कि वो किसी का दिल नहीं दुखा सकते थे। ये उनकी कमज़ोरी कहिए, खूबी कहिए, वो किसी का दिल नहीं दुखा सकते थे। और हमेशा हम लोगों से कहा भी करते थे कि भाई किसी का दिल ना दुखाना, ये बहुत बड़ा गुनाह है, इसलिए कि इसका कुछ वो है ही नहीं, चाहे वो छोटी बात हो या बड़ी बात हो, लेकिन किसी का दिल ना दुखने पाए। और उसके लिए वो ऐसी कोशिशें भी करते थे, जैसे बच्चों को खुश करने के लिए मिठाई रखते थे, टॉफ़ी मंगा के रखते थे, दी कोई पेन है छोटे छोटे, इस तरह से छोटी छोटी चीज़ें, ताकि उन्हें उस वक्त जो बच्चे की जो खुशी थी उससे इतनी खुशी होती थी सरप्राइज़ देकर कि वो अक्सर इसके उसमें। अच्छा, ये भी है कि उनमें खूबी थी कि वो कभी इंसान से मायूस नहीं थे, मायूस नहीं, किसी में कोई बुराई भी उनको अगर मालूम हो जाए तो वो कोशिश करते थे मोहब्बत से और नरमी से उसकी इस्लाह करें, उससे नफरत नहीं करते। कहा भी था कि इंसान से कभी मायूस नहीं होना चाहिए, चाहे बार बार धोखा खाओ लेकिन फिर यकीन करो, क्योंकि ये इंसान में है ऐसी खूबी कि उस पर भरोसा किया जाना चाहिए जी। तो इसकी वो तलकीन भी करते थे जी। प्रोफेसर इश्तियाक आबदी साहब, आप तो यानी तालीम के मैदान में, आपका ताल्लुक तालीम के मैदान से है और अलीगढ़ के हवाले से मैं मालूम करना चाहूँगा आपके तासुरात जाकिर साहब के बारे में। यानी यहाँ इस बातचीत में इतना वक्त तो नहीं कि जाकिर साहब की ज़िंदगी का पूरा खाका पेश करें हम लोग, लेकिन ये तो मालूम है ही कि 1897 में उनकी पैदाइश हुई हैदराबाद में, तालीम इटावे में हुई और उसके बाद वो अलीगढ़ में आ गए, और आज़ादी के फौरन बाद, यानी इससे पहले तो जामिया से मुतल्लिक थे ही, जर्मनी से जब उन्होंने अपनी डॉक्टरेट ली तो वहाँ से लौटे, और सन 26 से ले कर और सन 48 तक जामिया वो जामिया से मुतल्लिक रहे बहसीत वाइस चांसलर, और फिर जामिया के बाद यानी सन 48 से ले कर सन 1957 तक वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर रहे, जिस ज़माने में आपने उन्हें बहुत करीब से देखा। नारंग साहब, कबल इसके कि मैं उनके अलीगढ़ के ताल्लुक़ के बारे में कुछ कहूँ, दो गुजारिशात करना चाहता हूँ। पहली चीज़ ये कि जो अलीगढ़ में उनके बारे में तासुर था और जो हर जगह है, वो सही है कि जाकिर साहब तहजीब मुजस्सम थे, कल्चर मैन का जो तसव्वुर है वो जाकिर साहब थे, और वो हर उस चीज़ की परस्तिश करते थे जो अच्छी हो, खूबसूरत हो, हसीन हो, पाक हो। जहाँ तक उनका अलीगढ़ का ताल्लुक है, मैं अर्ज़ करूँगा कि जाकिर साहब शायद अलीगढ़ के लिए ही बने थे, अलीगढ़ उनके लिए था, और अलीगढ़ से जाकिर साहब का ताल्लुक हमेशा 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 बाकी रहेगा। जाकिर साहब का अलीगढ़ से जो ताल्लुक था, उसके तीन दौर हैं बहसियत तालिब इल्म के, जैसा कि आपने फरमाया 1913 में गए, फिर जब अलीगढ़ उन्होंने छोड़ा, और फिर जब 28 साल के बाद दोबारा अलीगढ़ गए। मैं इन तीनों अदवार को तारीख साज दौर कहूँगा। बहसियत स्टूडेंट के गए तो वहाँ ज़हीन तरीन तालिब इल्म थे, मारिसन कोर्ट में रहते थे। एक रोज़ कुछ लड़के बैठे हुए थे और बात हो रही थी कि कौन लड़का तालीम ख़त्म करने के बाद क्या बनेगा। जाकिर साहब ने अपने ख़ास अंदाज में कहा, मियाँ तुम कलेक्टर बनो, कप्तान बनो, गवर्नर बनो, कुछ भी बनो, मैं तो वाइस चांसलर बन के यहाँ आऊँगा। और वो अलीगढ़ में उस ज़माने में प्रेसिडेंट स्टूडेंट्स यूनियन का नहीं हुआ करता था, वाइस प्रेसिडेंट होते थे, जाकिर साहब वाइस प्रेसिडेंट वहाँ के हुए, यानी हिस्से विज़ा उनमें लड़कपन ही से थी। जी हाँ, उस वक्त। दूसरा, उन 12 अक्टूबर 1920 को गांधी जी अलीगढ़ गए। गांधी जी ने जाकिर साहब को देखा और जाकिर साहब को बतौर ख़ास उनसे उनको हुक्म दिया कि आप अलीगढ़ छोड़ करके चलिए, बुनियादी तालीम का प्रोग्राम अपने हाथ में लीजिए। सिर्फ 17 दिन के अंदर यानी 19 अक्टूबर 1920 को गांधी जाकिर साहब दिल्ली आ गए और उन्होंने जामिया की बुनियाद डाली। उस ज़माने के वाइस चांसलर डॉक्टर जियाउद्दीन साहब ने उनको बहुत ललचाया, परकाया, कहा कि आप रुक जाइए, डिप्टी कलेक्टर बना देते हैं,
लेकिन जाकिर साहब ने उनकी कोई बात नहीं मानी, क्योंकि उनको कौम का कौम अजीज थी, कौम का दर्द अजीज था। और फिर उसके बाद 1948 में वाइस चांसलर होकर के वहाँ पर गए। ये दौर अलीगढ़ का सबसे ज़्यादा तारीख और सबसे ज़्यादा संगीन दौर था। तकसीम इस मुल्क की हो चुकी थी जी हाँ। मशरक से मगरिब तक खून का सैलाब दरिया चल रहा था। उस जमाने में अलीगढ़ बच भी पाएगा या नहीं, ये एक मसला था। इसलिए उस वक्त गांधी जी के हुक्म पर, पंडित नेहरू के हुक्म पर जाकिर साहब गए और जाकिर साहब ने अलीगढ़ को दोबारा जिंदा किया। इसलिए अलीगढ़ जाकिर साहब को कभी भूल नहीं सकता। और जाकिर साहब ने अलीगढ़ के मीडियम से या अलीगढ़ के माध्यम से, और उसके बाद जब वो वहाँ से यहाँ आ गए, तो दुनिया को इंसानियत का दर्स दिया है। और आज इस बात की ज़रूरत है कि अगर हम सच्चे वतन परस्त हैं, सच्चे मुहिब वतन हैं, और तालीम की बुनियादी कदरों में वाकई अकीदा रखते हैं, तो जाकिर साहब को हमेशा हम लोग बेशक बेशक। ये जो आप फरमा रहे थे गांधी जी के असर वाली बात, इसमें मौलाना मोहम्मद अली जौहर भी शरीक थे जी। वो भी शरीक, जब जामिया मिलिया की बुनियाद रखी गई तो वो जाहिर है कि अलीगढ़ ही के मैदान में रखी गई, वहीं तंबू खेमे लगा लिए गए थे। और जाकिर साहब जो उस वक्त तालिब इल्म थे निकल आए थे कि हाँ मैं तो कौमी तहरीक में गांधी जी के और मौलाना मोहम्मद अली के और इससे पहले अबुल कलाम आज़ाद के असर भी उनके जहन पर था। अब जिस ज़माने की बात प्रोफेसर इश्तियाक आबदी साहब ने की, यानी अलीगढ़ में जब वो दोबारा जाते हैं बहसियत वाइस चांसलर के, और सन 48 से लेकर 57 तक 10 बरस का ज़माना, और जब उन्हें अलीगढ़ छोड़ना जी 8 बरस का जब उन्हें अलीगढ़ छोड़ना पड़ा और गवर्नर उन्हें बनाया गया बिहार में सन 57 से लेके और सन 62 तक, ये वो ज़माना है जिसमें माथुर साहब आपकी मुलाकात जाकिर साहब से हुई। आपने उन्हें कैसा पाया और बाद में आपके जो ताल्लुकात रहे, तो हम चाहेंगे कि आप बहसियत माहिर तालीम जो ख़ास तौर से शिक्षा के मैदान में, एजुकेशन के मैदान में जाकिर साहब का योगदान है, उस पर आप कुछ रोशनी डालें। नारंग साहब, आपने जैसा जिक्र किया कि जब जाकिर साहब गवर्नर थे बिहार के, तो उस ज़माने में थर्ड फाइनेंस कमीशन बिहार भी गया। जाकिर साहब ने सब लोगों को रांची में अपने राजभवन में ठहराया, और उस ज़माने के गवर्नर्स में वही एक ऐसे थे जिन्होंने कि ये कहा कि वो उस फाइनेंस कमीशन के सामने खुद अपना बयान देना चाहेंगे। और उस बयान में उन्होंने और चीज़ों पर भी जोर दिया, लेकिन तालीम के ऊपर ज़रूर ही उन्होंने ख़ास उसके ऊपर जोर दिया। लेकिन जो चीज़ मुझे याद है आज भी, जब उन्होंने अपना बयान दे दिया कमीशन के सामने, तो कमरे में ले गए, कह लगे देखो होनी तो चाहिए ये तालीम पूरी, लेकिन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में तो लिखा है कि तालीम मुफ्त हो, सबके लिए कंपलसरी हो और 14 साल की उम्र तक हो। ये तो नहीं लिखा कहाँ चालू हो जी। उनका 13 बरस पे चालू करो, 14 पे खत्म कर दो, हो गया। तो मेरा कहने का मतलब जी हाँ। लेकिन उसी के साथ जो खास बात थी वो ये कि जो नई तालीम थी, जो बुनियादी तालीम की चीज थी, और उसकी गहराई में जितने वो गए हुए थे, वो चीज बराबर, मुझे ख्याल आता है जब हम लोग एजुकेशन कमीशन में थे तो बराबर हम लोगों के सामने वो चीज़ थी। जब हम एजुकेशन कमीशन में थे तभी भी उनके पास हाजिर हुए, उस वक्त में वाइस प्रेसिडेंट थे, 1 घंटे 1.5 घंटे उनसे मुलाकात रही, और वहाँ पर भी काफ़ी चीज़ों का जिक्र हुआ। लेकिन उसकी भी जो याद मुझे आज एक है ख़ास, वो ये उनका एजुकेशन में क्या खराबी, तो उनका द प्रीवियस स्टेज। क्यों कि जो हम यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर लोग हैं वो कहते हैं कॉलेज में लड़कों को अच्छी तरह से नहीं पढ़ाया, हम अब कहाँ से ठीक कर पाए उनको। कॉलेज वाले कहते हैं हाई स्कूल में नहीं ठीक किया उन्हें, हाई स्कूल वाले स्कूल के ऊपर अपना सारा बोझा डाल देते हैं, और पता नहीं स्कूल वाले किन पे डालें, शायद पेरेंट्स को कहें और क्या कहें। कहने का मतलब ये कि अगर हमको तालीम में सुधार करना है तो शुरू से लेके आखिर तक
उसको पूरे तौर से एक निगाह से देखना है। और उनकी शख्सियत ऐसी थी जो कि जैसा कभी जिक्र हुआ, उन्होंने तो बर्लिन यूनिवर्सिटी की पीएचडी लेने के बाद भी बच्चों को शुरू से पढ़ाया जी, और उसे ऊंचे दर्जे तक पढ़ाया। तो जब शुरू से आखिर तक किसी को देखा जाता है, तब जो उनकी पूरी शख्सियत थी, तालीम के जितने भी हमारे उद्देश्य होते हैं, वो सारे उद्देश्य जाकिर साहब की शख्सियत में मौजूद थे, रचे बसे थे। जी। आप चाहे उनको देख लीजिए नेशनल इंटीग्रेशन को, चाहे देख लीजिए सेकुलरिज्म को, चाहे देख लीजिए ह्यूमनिज्म को। तो उन्होंने तो तालीम के जो उद्देश्य होते हैं उनको अपनी शख्सियत में ढाल के दुनिया को दिखला दिया, अपनी शख्सियत को बेहतरीन नमूना उसका बनाया था। ये जो उनकी यानी शख्सी जिंदगी की झलक का जिक्र आ रहा है, और हिस्से मिजाज का भी जिक्र आया उनके सेंस ऑफ ह्यूमर का, तो आपको तो उनके बहुत से लतीफे घर के वाकयात याद होंगे अगर ये बात कोई। बस वो एक तो उनका ये था कि जब वो, आपने तो उनकी तकरीरें पढ़ी होंगी, सुनी होंगी, बहुत अच्छी लिखते थे, मालूम होता था कि एक एक लफ्ज में मोती जड़े हुए हैं। लेकिन जब वो लिखते थे, जो उनके ऊपर कैफियत गुजरती थी वो घर ही वाले जानते थे। कई दिन टहलते रहते थे, एक तो ये कि हर चीज़ वो खुद ही करते थे, लिखेंगे भी खुद, हर तो वो उसमें इतनी उन्हें मालूम नहीं क्यों इतना अच्छा लिखने के बावजूद उन्हें इतनी तकलीफ होती थी उसमें, तो कई दिन वो बेचैन रहते थे और जैसे कि वो तख्लीक की जो तकलीफ थी वो उन पर गुजरती थी। तो अक्सर उसमें उस ज़माने में ऐसा होता था कि वो घर में ज़्यादा आते थे, जैसे तो कम मसरूफ़ रहते थे, तो बच्चों की तरफ ज़्यादा अपने होते थे, वक्त गुजारते थे, तो कहते थे तुम्हें मालूम है कि हम आज यहाँ क्यों बैठे हुए हैं? इसलिए बैठे हैं कि हमें तकरीर लिखना है, वक्त गुजारना है। यानी बच्चों की रिफाकत में बच्चों से इंस्पिरेशन को मिलता था सोचने की, यानी वो शगफ्तगी। उसके बाद फिर जब वो लिखते थे तो वो चीज़ होती थी वाकई के फूल झड़ते थे उनके बहुत ज़्यादा। अब सब कुछ अलीगढ़ का कोई वाकया उस जमाने का आपको याद हो? जैसा कि माथुर साहब ने अभी कहा कि जाकिर साहब एक मुकम्मल इंसान थे और मुकम्मल उस्ताद थे। अब ये मसला था कि तालिब इल्मों के अंदर बदलते हुए ज़माने के साथ साथ जो इनडिसिप्लिन पैदा होता जा रहा है उसको कैसे दूर किया जाए। जाकिर साहब की सख्त हिदायत थी कि कोई भी लड़का जो उनके पास आए वो साफ़ सुथरे कपड़ों में आए, जूते उसके ठीक ठाक हों, पॉलिश उसके ऊपर हो। चंद लड़के जो बड़े सीनियर लड़के थे उन्होंने उनके इस हुक्म की तामील नहीं की, तो एक रोज़ उन्होंने सारे जूते खुद साफ़ करने शुरू किए। रुमाल उनका अपने हाथ में लेना ही था कि सारे लड़कों ने उस दिन फैसला किया कि जब तक जाकिर साहब रहेंगे सुधार का तरीका ये होगा। कागज उठाते उन्हें चुनते हुए सड़क पर से मैंने ये तो खुद देखा है। अच्छा उनके उनका ऐसे जो आर्टिस्ट थे एमएफ हुसैन, एक मर्तबा उनका तारुफ करवाया गया जाकिर साहब से, उनका एमएफ हुसैन। तो जाकिर साहब ने अपने खास अंदाज में कहा कि जी खादिम को भी हुसैन ही कहते हैं। माधुर साहब आखिर में मैं चाहूंगा आप मुख्तसरन, चूंकि वक्त बहुत कम है, ये ज़रूर रोशनी डालें कि आज जिस नई एजुकेशनल पॉलिसी की बात की जा रही है और उसको यानी वोकेशनलाइजेशन की जो बात हो रही है और जिस तरह से एक टोटल पर्सनैलिटी के बिल्डअप की और कोर प्रोग्रामों की, जो गांधी जी का हिंदुस्तानी तालीमी संघ था जिससे जाकिर साहब जुड़े हुए थे और उन पॉलिसियों को, बुनियादी तालीम को और हाथ के काम को, इस पर जो उन्होंने तवज्जो की अपनी ज़िंदगी में और ख़ास तौर से जामिया मिल्लिया के ज़रिए, उसके बारे में आप कुछ कहेंगे मुख्तसर? या मैं ये जिक्र करना चाहूँगा कि आज एक फ्रेज़ यूज़ किया जा रहा है और वो जाकिर साहब की जो बुनियादी तालीम की चीज़ है उसको पूरे तौर से दर्शित करता है कि हेड और हैंड और हार्ट, इन तीनों का समन्वय बिठाया जाए। अब ये तीनों शब्दों में एक तरीके से वो बुनियादी तालीम की सारी चीज़ें आ जाती हैं। मुश्किल क्या है कि बुनियादी तालीम को पूरा करने के लिए जिस तरह के उस्ताद हमको चाहिए वो उस्ताद नहीं मिलते। अगर ऐसे लोग जैसा कि जामिया बनाया जाकिर साहब और उनके साथियों ने, वैसी टीम अगर हो, तो ये चीज़ों अब हमको लाखों स्कूल चलाने हैं।
उन लाखों स्कूलों में कैसे पहुंचाया जाए। यानी ये कहना ज्यादा मुनासिब होगा कि बाग तो है लेकिन जब माँ का माली ही चला गया जी हाँ, लेकिन तो इसलिए उस तरह के उस्ताद कहाँ से लाएं। हाँ, लेकिन एक चीज है जिससे कि हमें उम्मीद बनती है आगे के लिए और वो है टेक्नोलॉजी। तो एक तरीके से लोग कह देते हैं तो कंप्यूटर का जिक्र होता है, लेकिन कंप्यूटर ही का जिक्र नहीं है। आज आप टीवी कैसेट्स के जरिए बढ़िया से बढ़िया चीजें गांव में पहुंचा सकते हैं। तो वहां अगर जो उस्ताद है जिसको आप पैसा भी कमी देते हैं, उसमें अगर उतनी कुवत नहीं है, काबिलियत नहीं है, हर चीज का हुनरमंद वो नहीं है, तो इन चीज़ों को अगर वो दिखला सके, बतला सके लोगों को। बेशक माथुर साहब, ये चीज़ें हैं जाकिर साहब के भी जहन में थी, यानी तालीम का भी सुधार हो और तालीम के साथ काम को भी मिलाया जाए और उसके साथ साथ उस्तादों और वो लोग जो शिक्षा देने वाले हैं उनकी तरबियत का भी इंतज़ाम किया जाए। जाकिर साहब अब हम में मौजूद नहीं रहे, लेकिन उनके आदर्श और उनके ख्वाब हमारे साथ हैं, उनकी याद हमारे साथ है और नए हिंदुस्तान को जिस राह पर सफ़र करना है, जो राह हमने चुनी है, वो दरअसल हमारे इन्हीं बुज़ुर्गों की राह है। आप सब हजरात का बहुत बहुत शुक्रिया।